ये कविता है, इसका शीर्षक है तो तुम लेखक बनना चाहते हो। इसे रूस के कवि चार्ल्स बुकोस्की ने लिखा है और हिंदी में इसका अनुवाद किया है वरुण ग्रोवर ने। अगर फूट के ना निकले बिना किसी वजह के तो मत लिखो, अगर बिना पूछे बताए ना बरस पड़े तुम्हारे दिल और दिमाग और जुबान और पेट से तो मत लिखो, अगर घंटों बैठना पड़े अपने कंप्यूटर को ताकते हुए या टाइपराइटर पर बोझ बने हुए खोजते कमीने शब्दों को मत लिखो, अगर पैसे के लिए या शोहरत के लिए लिख रहे हो तो मत लिखो, अगर लिख रहे हो कि ये रास्ता है किसी दूसरी औरत को अपने बिस्तर तक लाने का मत लिखो, अगर बैठ के बार बार करने पड़ते हैं सुधार जाने दो, अगर लिखने का सोच के ही होने लगता है तनाव छोड़ दो, अगर किसी और की तरह लिखने की फिराक में हो तो भूल ही जाओ, अगर वक्त लगता है कि चिंघाड़े तुम्हारी अपनी आवाज तो उसे वक्त दो पर ना चिंघाड़े गर फिर भी तो सामान बांध लो, अगर पहले पढ़ के सुनाना पड़ता है अपनी बीवी या प्रेमिका या प्रेमी या माँ बाप या अजनबी आलोचक को तो तुम कच्चे हो अभी, अनगिनत लेखकों से मत बनो उन हजारों की तरह जो कहते हैं खुद को लेखक, उदास और खोखले और नक्शेबाज स्वमैथुन के मारे हुए। दुनिया भर की लाइब्रेरियां त्रस्त हो चुकी हैं तुम्हारी कौम से, मत बढ़ाओ इसे, दुहाई है मत बढ़ाओ। जब तक तुम्हारी आत्मा की जमीन से लंबी दूरी के मारक रॉकेट जैसे नहीं निकलते लफ्ज, जब तक चुप रहना तुम्हें पूरे चांद की रात के भेड़िए सा नहीं कर देता पागल या हत्यारा, जब तक कि तुम्हारी नाभि का सूरज तुम्हारे कमरे में आग नहीं लगा देता, मत 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 लिखो, क्योंकि जब वक्त आएगा और जब तुम्हें मिला होगा वो वरदान तुम लिखोगे और लिखते रहोगे जब तक भस्म नहीं हो जाते तुम या यह हवस। कोई और तरीका नहीं है, कोई और तरीका नहीं था कभी।